आप लोग भी सब हैं, मैं रवि साहब को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, क्योंकि देखिए खुद के लिए तो हर इंसान जीता है, पर दूसरों के लिए जी के दूसरों को खुशी दे वो नाम है रवि साहब। तालियां बजाइए इनके लिए। और रही बात टाटा साहब की, तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे पैदा होने से पहले ये सक्सेस थे, आज भी सक्सेस है, क्योंकि हमने जब आप होली थी, जब थोड़ी समझ पकड़ी थी, तो ये सुना था कि टाटा नाम की कोई हस्ती है हमारी दुनिया में, तो हमने पूछा क्या क्या होता है, तो हमें बताया गया कि सुई से लेके प्लेन तक, मतलब दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये टाटा नहीं बनाता है। पर उससे बड़ी बात उन्होंने ये की, जो जीवन दान ले लेंगे टाटा हॉस्पिटल से, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं हमारे रवि साहब, हमारे दूसरे भाई साहब वगैरह के जो, तो मैं इन लोगों के लिए दुआओं के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए अल्लाह ताला से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों की सबकी परेशानियां दूर हो। हम आपको मोहब्बत मतलब दिल से करते हैं और आपके लिए दुआ अल्लाह से मांगते हैं। तो मैं अपने म्यूजिक के जरिए आप लोगों की वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, भाषा तो जानता नहीं, मगर गाना जरूर जानता हूँ। मैं आपकी फिल्म के गाने सुनाता हूँ आपको। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक, तो मैं चाहता हूं कि मेरे अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि मुझे अल्लाह ताला हमारे रवि साहब को इतना दे कि आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दे कि आप लोग हमेशा हंसते रहे, खुश रहे। और खास करके मैं अली साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो सोशल मीडिया में आना जाना मुझे सिखाने वाले मेरे भाइयां हैं, तो इनके लिए आप सबके लिए एक छोटा सा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि टाटा साहब को जन्मदिन की मुबारक भी दे दूं, ये रतन टाटा जी के लिए है। होंठों पे बस तेरा नाम है, तुझे जानना मेरा काम है, होंठों पे बस तेरा नाम है, तुझे जानना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूं मैं सुबह शाम। रतन टाटा जी हैप्पी बर्थडे टू यू, रतन टाटा जी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का शुक्रिया, और बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, और रवि साहब को दुआएं दीजिए कि ये ऐसे ही सबकी खिदमत करते रहें। थैंक यू। मैं फिल्मों में हीरो बन गया था, बिहार से विलेन बन गया। रामादान मोले हमारे सामने हैं और पुराने साथी हैं, इन्होंने उस जमाने में हमारी तस्वीरें छापी जब मैं कुछ नहीं था, तो फिल्मों में रोल खतरनाक करता हूँ, इंसान अच्छा हूँ इसकी पूरी गारंटी। मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, कुछ फैसले में ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। आज टाटा रतन जी का बर्थडे है, मैं उनको विश करता हूँ, जैसे कि दिलीप भाई ने कहा, दिलीप जी ने कहा, उनके बारे में बहुत कुछ होता है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत महान शख्सियत है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आज उनका बर्थडे है, बचपन से हम लोग टाटा का नाम सुनते आए, टाटा रतन जी का नाम सुनते आए थे, आज उनके बर्थडे में शामिल हुए। रवि जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, इनके हर फंक्शन में मैं आता हूँ, और ये अक्सर हमें कंबल बांटने के लिए टाटा हॉस्पिटल के सामने ये हमेशा बुलाते हैं, मैं और मेरा बेटा फैयाज जो आजकल डायरेक्शन दे रहा, हम दोनों इनके साथ कहने से खाना मिला के चलते हैं। और मैं दिलीप भाई का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 105 डिग्री बुखार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चलना है अली भाई, और आप आएंगे तो सारी बुखार रास्ते में खत्म हो जाएगी। और अखिलेश जी का तो थैंक यू सो मच, सारी मीडिया का आप सब लोग आए यहाँ पे, हमारी माँ बहने जिनको है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी फैमिली में दो लोगों को खोया है, बड़े भैया को 2 साल पहले और छोटी बहन को कैंसर से, तब से ये 3रा साल है मैं कैंसर जो हमारी संस्था यहाँ भाईकला में, मैं उसका ट्रस्टी हूँ, और जितनी मदद हो सकती है वो मैं करता हूँ, और ये सब कुछ सीखा हूँ रवि जी से। उन्होंने कहा था कि अली भाई फिल्मों में तो रोल आपने बहुत कुछ किया, आप कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ करो कि लोग आपको याद करें, और ये वाकई सच्चाई है कि आप किसी एक पेशेंट के लिए मदद करते हो, तो ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं मेरी शुरुआत फिल्म खुदा गवाह से हुई थी,
उसके बाद सर फरोज को रैम 100 से 100 फिल्मों में सिविलियन काम किया और करता रहा, करता रहूँगा। लेकिन आज ये सब आप लोगों की जो खिदमत करके, मेहनत करके और आप लोगों का जो सपोर्ट करता हूँ उसमें जो खुशी मिलती है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप सब लोग जितने भी डैश में हमारे बैठे हैं सबका शुक्रिया, और ख़ास करके मीडिया का कि आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें आगे दिखाई जाती है, बताई जाती है, अवेयरनेस आता है। और आप फिक्र न करें, कैंसर कोई बहुत खतरनाक बीमारी तो है लेकिन उसका इलाज भी है, और आजकल बहुत अच्छा अच्छा इलाज हो गया है। इंशाल्लाह आप में से जो भी पेशेंट है वो ठीक होंगे, और बस रवि जी मालिक आपको लंबी उम्र दे और ऐसे नए काम करते रहें। अभी हम दिलीप भाई एक पेशेंट को ले गए डॉक्टर के यहाँ, परसों की बात है, तो पेशेंट क्या जरा ड्रिंक ज़्यादा करते थे, डॉक्टर चेक कर रहे थे सांस को जोर से आला लगा के, तो लेफ्ट साइड में कफ बहुत था। डॉक्टर ने पूछा पेशेंट से, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि पीते हो, पेशेंट ने कहा कि मंगवाइए, ये तो हालत है, हो सकता है कि नहीं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thanks to everybody, that's such an early morning, and of course now coming to the afternoon time, everybody has come here, taken out time for the great, great cause. And first of all, I would like to thank K. Ravi ji. Thank you for arranging such a wonderful program. I mean, it is really insightful time, and I take this opportunity to wish Dr. Tata ji a very, very happy birthday, a great industrialist, and as Madam correctly said, that man with a heart of gold. I would like to introduce myself over here. I am Dr. Surena Rane Manotra. I am the Jilladesha of Nationalist Congress Party, Mumbai Manila, as well as Dr. Self. And I also have my NGO, Dr. Subhash Rane Manotra Foundation. As well as I do have a stint with Film Line also. I am the creative director and a scriptwriter in films. Okay, so I take this opportunity to discuss a very important thing. First of all, Ratan Tata ji, as you know, has contributed a lot for in the field of cancer. See, it is very important. There is Tata Memorial Hospital as well as there is a research center. ये जो research center है, ये भी बहुत important है कि cancer ये बीमारी ऐसी है कि यहाँ पे नए-नए शोध करना important होता है. और इन्होंने रिसर्च में इतना फंड किया हुआ है, और इसमें रिसर्च जो होता जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैं यहाँ एक बात कहूंगी कि मराठी मध्ये पण बोलते पण मराठी असते इकडे, एक सांगू इच्छिते की कॅन्सर जसं आता नवीन नवीन मेडिकेशन वगैरे आलेले आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण फाईट तर करू शकतो, पण ह्याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे की माणसांनी अर्ली साइन्स ऑफ कॅन्सर हे ओळखणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. आणि ह्या गोष्टीसाठी आम्ही एनसीपीच्या तर्फे म्हणा किंवा आमच्या फाउंडेशनच्या तर्फे म्हणा, बरेचसे आम्ही प्रोग्राम्स करतो, लोकांना कॅन्सरच्या अर्ली सायन्सचे अवेअरनेस करून देतो. आणि मी यांना हेच अखिलेश जी आहेत, इकडचे सगळे पॅनलवरचे मेंबर्स आहेत, त्यांना सगळ्यांना एकच विनंती करेन की असे कॅम्प्स तुम्ही ठेवा की ज्याच्यामध्ये इंडिया लिंक के माध्यम से मैं सबसे पहले टाटा रतन जी को उनके बर्थडे पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मालिक ने उनको बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते आए हैं, ख़ास करके जो कैंसर टाटा के लिए जो उन्होंने काम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो आज एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज बहुत सारे लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, और इतना अच्छा हॉस्पिटल, जो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें, इतना अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद इस चीज़ का भी दूंगा। दूसरी बात, के रवि जी जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, आप लोगों के माध्यम से सारे मीडिया के लोग यहाँ पे आए, टाटा रतन जी का केक हम सब ने काटा, दिलीप भाई आए, हम सब लोग आए, और जो कैंसर पीड़ित हैं उनको कुछ गिफ्ट दिए गए, कुछ अभी कंबल दिए जाएंगे, शॉल दिए जाएंगे, और उनकी मदद के लिए जो काम हो सकता है रवि जी के माध्यम से हम सब लोग हाजिर हैं, जो मदद होगी करते आए, करते रहेंगे। लंबा अरसा भी रहा आपका ऐसे कोलैबोरेशन में, कैंसर पीड़ित लोगों के साथ जुड़े रहे, आप मदद भी करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे फील करते हैं जब ऐसे कैंसर पीड़ित आपके पास आते हैं? देखिए, 3 साल पहले
मेरे बड़ी छोटी सिस्टर की मौत हुई 2 साल पहले, बड़े भैया की डेथ हुई इसी कैंसर पीड़ित से। क्योंकि हम लोग बिहार से एक बहुत छोटे से गांव से हैं, वहाँ जल्दी पता नहीं चलता है कि कैंसर किस स्टेज पे पहुँचा है। जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर मैडम ने बताया कि आप छोटे से छोटा भी कोई प्रॉब्लम बॉडी में हो तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर्स इतने अंधेरे में रख देते हैं कि नहीं नहीं इनको टाइफाइड है, इनको मलेरिया है, उस वजह से बुखार आ रही है। लेकिन बुखार आने का सबसे पहला जो मेरे हिसाब से टेस्ट होना चाहिए वो कैंसर का। हमें पता तब चलता है जब हम थर्ड स्टेज पे होते हैं, लास्ट स्टेज पे होते हैं। और यही वजह है कि मैं एक बहुत बड़ी संस्था से कैंसर में जुड़ गया हूँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को हाईली ट्रीटमेंट के लिए करता हूँ। और महीने में 1 से 2 बार मैं टाटा हॉस्पिटल जाता हूँ रवि जी के साथ, के रवि जी के साथ हम लोग कंबल बांटते हैं। जो टाटा हॉस्पिटल के बाहर जो गरीब लोग जो ऐसी ठंडी में ठिठुरते रहते हैं, हम लोग जाके कंबले बांटते हैं, उनका हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उनकी जो मदद हो सकती है कैंसर के लिए डॉक्टरों से हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, जैसे अली साहब ने सब कह दिया है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि टाटा जी के जन्मदिन पे हम लोग सब जो मिले हैं यहाँ पे मीडिया के साथ, रवि साहब ने जो हम लोगों को बुलाया, अली साहब हैं, अखिलेश जी हैं, सब हैं। और खास बात मैंने देखी कि देखिए जो हमारे कैंसरों का मसीहा बने टाटा जी, आज वो बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ मिल के ये बर्थडे मनाया। तो मैं सबसे पहले तो टाटा जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। इन बच्चों के लिए इतना ही कहूँगा अल्लाह ताला से कि बेटे लोग आप लोग टेंशन मत लो, तो अल्लाह बड़ा बादशाह है, भगवान बहुत बड़ा है, आपकी बीमारी छू हो जाएगी। क्योंकि इतनी दुआएं आप लोगों के साथ है और रवि साहब जैसे जो इतना बड़ा फंक्शन लेके चल रहे हैं और उनके साथ में इतना मीडिया है, अखिलेश जी हैं, बाकी यहाँ तमाम जो बैठे हुए हैं, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि कलाकार होने के नाते हम अल्लाह ताला से दुआ के अलावा ये भी मांगते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत लगेगी, अखिलेश जी रवि साहब जब बुलाएंगे हम आप लोगों की खिदमत में आएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी टीम इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से मैं स्पेशली आपका थैंक्स करता हूँ। यहाँ पर सभी तरह के अलग अलग विभिन्न विचारों के लोग जमा है, हमारे बंधु है, कैंसर पीड़ित बहने हैं, बच्चे हैं, किड्स हैं, ये भी हमारे लिए अनमोल समय निकाल के यहाँ पर आए। देखिए हम लोग जो कुछ करते हैं इंसान इंसानियत की भांति कोई मेहरबानी नहीं करता। कुछ लोगों को होता है कि एक अलग सा कीड़ा पैदा होता है कुछ लोगों के शरीर में होता है, वो कुछ अलग सा कर दिखाता है क्योंकि कुदरत ने उसको उसने बनाया हुआ होता है। शायद हमारे अंदर वो कीड़ा होगा कि हम इस तरीके की सोच रखते हैं, पर यह सोच बदलना भी बहुत बड़ी बात है। कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ आज हम लोग हमारे आदरणीय रतन टाटा जी का बर्थडे मना रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर पूरे हमारे पहली मरतबा हो रहा है। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, मेरी टीम जो इंडिया मेडलिंग इवेंट्स मैनेज होता है, पिछले 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी चीज आसान नहीं होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ बोना पड़ता है तब जाके हासिल होता है। अब 3 साल बाद आज हमको इसमें सफलता मिली कि हम कम से कम आप सबकी मौजूदगी में रतन टाटा जी का बर्थडे यहाँ मना रहे हैं। हमें पता नहीं उन्हें ये चीज कैसे लगेगी, इतने सारे टाटा के कर्मचारी हैं, इतने सारे टाटा के अफसर हैं, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उनके यहाँ काम करते हैं, ये चीज उनके किसी के मन में क्यों नहीं कर दिया कि हम हमारे बॉस का बर्थडे मनाएं। या हमारे देश में विभिन्न तरह के नेताओं के, अभिनेताओं के, समाज सेवकों के, अभी तो क्रिकेटर लोगों के भी बर्थडे मनाए जाते हैं, पर किसी के जहन में बात क्यों नहीं आई भाई जिस इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने हमारे देश के अंदर अपना पैसा लगाया आज से 150-200 साल पहले और उसमें आम लोगों को नौकरियां दी, जिसकी जैसी पढ़ाई लिखाई, जिसकी जैसी कला थी वैसे उसको नौकरी मिली, यहां तक कि वो नौकरियां मिली कि रिटायर्ड होने तक उनको प्राइवेट एंड फाइनेंस सर्विस मिलती रही, पेंशन मिलती रही, सरकारी अपनी तो तरफ से चलाती रहती है, चलता रहता है, पर निजी लोग जो है जिनमें सबसे ऊंचा नाम है आदरणीय रतन टाटा जी का, मतलब टाटा फैमिली, उनके पिताजी के पिताजी नवोजी टाटा, रतन टाटा के पिताजी नवल टाटा,
रतन टाटा जी तो अडॉप्ट है लेकिन उनके पिता ये है ना रमन टाटा जो कुछ है। इन सब लोगों ने जो विभिन्न तरीके की इंडस्ट्री हमारे देश में बसाई उसमें करोड़ों लोग काम करते आए। एक परिवार के पीछे पांच बच्चे होते, पांच लोग होते, सबका पेट रतन टाटा जैसे लोगों की मेहरबानी से भरता है। बट नॉट ओनली फॉर रतन टाटा, हमारे यहाँ अजीम प्रेम की जैसे शख्सियत है, हमारे यहाँ सुधा मूर्ति जैसी शख्सियत है, हमारे यहाँ गोदरेज जैसे शख्सियत है, हमारे यहाँ किर्लोस्कर जैसे शख्सियत है, हमारे यहाँ मिस्टर गायकवाड़ जैसी शख्सियत है। आम लोगों में भी कुछ इंडस्ट्री डायरेक्टर ऐसे है कि जो एक कारखाना बना के बैठे और 100 लोगों का पेट पाल रहे। देखिए कोई भी देश लीजिए आप, कोई भी देश वर्ल्ड का, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है तो लोग चले गए थे, पेट नहीं भरेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट है तब हम लोग रोजी रोटी चला रहे। अब मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूं, मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, मैं हेलीकॉप्टर किराए पर देता हूं, मैं उसी के अंदर काफी कुछ करता हूं। यहां तक कि अभी हम लोगों ने अभी नया शुरू किया है, हम लोगों ने मट्टी बेचना भी शुरू किया है। सोना गोल्ड डायमंड हम लोग अक्सर बेचते हैं, हम लोग मट्टी नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि वो मट्टी बेचने से अगर हमारे 100 लोगों का पेट भर जाता है तो भी एक इंडस्ट्री बन जाए। ये हमें किसने सिखाया? मेरे दादा परदादा तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, पर हम रतन टाटा जैसे लोगों से सीखे कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट कौन। जैसे मैंने मेरे स्पीच में काफी मरतबा कहा कि भाई हम पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे होके बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर गए, अच्छा काम करने लगे, समाज में रुतबा कमाने लगे, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया, हमारे प्राध्यापकों ने हमारे टीचरों ने हमको बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने कहा आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप एक्टर बनो। मैं डांसर था मुंबई शहर में, अच्छा खासा डांसर, मेरा बहुत फेमस डांसर, मैं तो ऑलराउंडर वो अलग बात है, लेकिन ऐसे मेरे से काफी लोग हैं बैंक बिजनेस में। लेकिन हमारे प्रोफेसरों ने हमारे माँ बाप ने सब बनना सिखाया पर हमको इंडस्ट्रियल बनना अभी तक नहीं सीखा। हमारी हिस्ट्री में कहीं ये बात नहीं, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक निकाल के खोज कर देखिए, उसमें भी कभी किसी प्रोफेसर ने किसी वर्ड के ऐसे नहीं बोला कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। रतन टाटा जी खुद को भी कभी बिजनेसमैन नहीं मानते, वो खुद को वर्कर मानते, वर्करों के साथ आम आदमी में बैठ के ऐसे टेबल के सीट पर टेबल के ऊपर बैठ के वो खाना खाते और खुद का पट्टी वो भी नहीं बनाते। उद्धव जी ठाकरे जी ने नया काम नया आम अच्छा सामान, हर नई सोच नई नए विचार लोगों में एक बदलाव लाती। मैं आज उनको आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि भाई कम से कम महाराष्ट्र स्टेट से ऐसी बातें सामने गुजर कर आई वो कैबिनेट में पास हो जाए कि हमारे मुंबई शहर में महाराष्ट्र में जिन जिन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने आम आदमी की रोजी रोटी बनाई है उनका बर्थडे सरकार मनाए, उनका बर्थडे सरकार। मुझे पता नहीं ये बात मोदी जी तक पहुंचे तो मोदी भी बनाए, ये क्या प्रॉब्लम। हम तो मोदी जी का बर्थडे बनाते, हम मुख्यमंत्री का बनाते, गली कूचों के लोग देखो बैनर होल्डिंग लगा के अपने अपने बर्थडे बनाते, सारा कार्यकर्ता। पर कार्य कैसा होना चाहिए आपका? बर्थडे बनाने से कार्य होता है, बर्थडे इन लोगों का बना जिनकी जरूरत है, जो समाज है। कल हमारा मैसेज हमारी टीम के माध्यम से आदरणीय रतन टाटा जी तक पहुंच गए, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हमारे टीम वर्क के डॉक्टर विजय साधव, हमारे नंदू कमरे, राहुल रवि, ये रतन टाटा जी के पास गए थे, दुर्भाग्यवश को मिल नहीं पाए, पर उनकी शैला नाम की सेक्रेटरी है, उन्होंने उस गिफ्ट को देखा, उस ग्रीटिंग को देखा। वर्ल्ड में पहला ऐसा ग्रीटिंग हमने रतन टाटा जी को भेजा जो किसी ने आज तक नहीं भेजा था, ऐसा अप्रिशिएट हुआ है। हो सकता है हमें फ्यूचर में उनका आशीर्वाद भी मिले, हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें जरूरत है, हम आशीर्वाद के भागी तो ही रहे। ये मेरे मित्र हैं दिनियार तीरंदाज, इनके बड़े भाई थे उत्तम तीरंदाज, मेरे गुरु थे। पारसी लोगों का एक नेचर जो होता है ना, नेचर बहुत ही हेल्पफुल, खाली आप उनके दिल में बैठना चाहिए। तो रुस्तम तीरंदाज ऐसा शख्स था, मतलब मेरे गुरु, मेरे पॉलिटिकल गुरु। मैं 1984 में एमएलए नहीं मिनिस्टर बन गया, मेरे दोस्त बैठे उत्तम गायकवाड़, बड़ा सोशल वर्कर आदमी मेरा दोस्त थे बचपन का, फिर उत्तम गायकवाड़ मेरे साथ ही रहे, उनको पता है इंडिया भाई में मैं खुद एमएलए नहीं मिनिस्टर बन गया था बीजेपी के, पर मेरे सोशल विचार थे, मैं रुस्तम तीरंदाज से सिर्फ जुड़ा रहा, पर मेरे जो जो कार्यक्रम रहे
वे आते रहे, मुझे आशीर्वाद दिए। तब मैंने पारसियों को जाना कि दिनियार तीरंदाज क्या है, ये एक्टर है पर ये मन में सोशल वर्कर है, इनके पड़े वो गुजर गया हमसे, बहुत जल्दी छोड़ गया हमारी दुनिया से, उनके घर में भी काफी बड़ी ट्रेजेडी, पर हम जहां भी रहते उस वक्त तीरंदाज को याद करते। तो पारसी लोग दिल के बड़े साफ होते, पारसी लोगों की संख्या हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है, पर काम देखो रतन टाटा, काम देखो गोदरेज, काम देखिए वाडिया, लेकिन नाम ये देखिए, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्होंने क्या नहीं बोया हमारे लिए, आम लोग और हम अपना बर्थडे ताज में मनाते, अरे इनका मानो लोगों को खिलाओ, खिलाओ की सेवा करो तब मजा आएगा। और आज मुझे सचमुच स्पेशली हैदराबाद से आए, ये मुंबई में नहीं है, उनको उनको हार्ट को लगा कि चीज है अपना कीर्तिमान, ये बहुत विधि शक्ति है। ये अभिनेत्री है रिंकू रोमित कौर, उनका मैंने नाम रखा है, ये लंदन से आई, मैंने बोला मुझे पता नहीं मुझे मुंबई में नहीं पहुंचे, ये लंदन गई थी, लंदन से आई। ये मिलिंद येवलकर मेरा बचपन का दोस्त है, ही इज अ सोशल वर्कर एनसीपी से, बट सोशल टच हमारा साथ है। ऐसे काफी लोगों के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से ये चीज बनती है, और हर बन की चीज को आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता है। मैंने आज से करीबन 17-18 साल पहले 222 कैंसर पीड़ित बच्चों को मुंबई दर्शन हेलीकॉप्टर से फ्री ऑफ चार्ज करवाया, 222 बच्चों कैंसर पीड़ित बच्चों, उसमें मैंने काफी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को बुलाया हुआ था। एक बच्चों को TV9 के रिपोर्टर ने पूछा कि बच्चा तुम हेलीकॉप्टर से घूम के आए भाई, तुमको कैसे लगा? तो बच्चे दो थे वहां, दोनों भी मुस्लिम थे, स्पेशली दोनों बच्चे मुस्लिम थे, तो वो बच्चा क्या नाम शिखा के लाया होगा ऐसे लग रहा था। बच्चे ने बोला देखिए भाई साहब, मेरा तो जिंदगी मुझे खुद को पता नहीं आज है या कल नहीं, हमारा जैसे का जिंदगी, अगर मैं बड़ा भी बन जाता पकड़ के छोड़ो, मैं बहुत पैसे वाला भी बन जाता तो हो सकता मैं लंदन अमरीका हवाई जहाज से घूम के आ सकता मेरे पैसे, पर हेलीकॉप्टर से घूमना हम जैसे लोगों का काम है, हम जैसे होगा बस का काम नहीं, क्योंकि वो VIP लोगों के लिए। और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने बर्तन मांजने वाली घर के अंदर लेडीज को भी माँ बहन समझकर उनको भी फ्री ऑफ चार्ज मुंबई दर्शन हेलीकॉप्टर से करवाया, क्योंकि मैंने ये जताया कि भले कितने भी पैसे वाले लोग हो इस हिंदुस्तान में, वही हेलीकॉप्टर से घूमना क्या जरूरी है, क्या मेरे आम लोग भी हेलीकॉप्टर से घूमे? और पहले मैंने उनको घुमाया, इस काम में 20 साल से करता आया, Last 20 years. तो कोई मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, कीड़ा है उसने दिया है, कीड़ा है वो बता रहा है कि भाई ये तेरे लिए, जैसे हमारे मित्र शांति डोलसिया बैठे हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, आम लोगों में रहते, गरीब लोगों में रहते, उनको दलितों का समाज सेवा का कीड़ा है, दीदी तो 100 गालियां देती हो, देती है हमारे में वैसा होता ही कि तू कीड़े बनते रहो घर पे बनते रहो, क्योंकि वो समाज के अंदर ही रहने वाला आदमी है, घर ना देखे लेकिन फिर भी वो घर देख के बीवी बच्चे देख के अपनी जिंदगी संवारे, लेकिन जो लोग पागल होते हैं वो पागलों की तरह काम, और ये पागलपन हमारे अंदर पनप जाता है, कुदरतन पनपता है। मैं टिपिकल मराठी हूं बट मैं तेरा लैंग्वेज बोलता हूँ, घर में बैठ के बोलता हूँ क्या नहीं, मैंने दुनिया देखी, आदमी देखता, मैं फिल्म लाइन में फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर किराए पर देता हूँ, पर अगर मैं किसी को एक निवारा नहीं खिलाता तो इन सबका मतलब क्या है? मैं तो बहुत पेट भर के खाता हूँ, पर ये निवारा खिलाने वाली बात भी मुझे आप जैसे लोगों ने सिखाई। मैंने मेरा मेरा का कोई गुरु है, जैसे मैंने कहा दिनियार तीरंदाज के बड़े भाई वो मेरे पॉलिटिकल गुरु, पर मेरी जिंदगी के गुरु जो है वो मेरा पर्सनल निजी अनुभव, और मैंने पढ़ी हुई किताब, अगर मैं सोशल वर्कर नहीं होता तो मैं IAS ऑफिसर, पर आज बड़े बड़े IAS ऑफिसर मेरे एक फोन से खाली जिधर बोला उधर आगे बढ़ जाते, खाली एक फोन ऐसे काफी लोगों को पता है आप बताए, क्योंकि मैंने वो चीजें बना के रखी। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होता है, मैं अकेला इन सारी चीजों का सारी चीजों का कोई मायने नहीं रखता। डॉक्टर विजय साधन में मेरा भाई है, छोटा भाई डॉक्टर ही करता है लेकिन समाज सेवा ज्यादा करता है, वो सिकंदर भी बोलेगा ये डालो वो डालो वो डालो अपना पेट, मेरा पेट सुधारने का काम उसने। तो ऐसे भी लोग हमारे लिए जरूरी है ना कि समाज में कुछ तो देते हैं अपने, कम से पैसा नहीं दे सकता आदमी,
ज्ञान को देता है, ये ज्ञान बांटा देखो इन दोनों, ये भी डॉक्टर, इन्होंने ज्ञान बांटा और ज्ञान की कीमत नहीं होती। तो आप सब जो लोग यहां बैठे, ये सबका इस सारे इवेंट के अंदर, इन जैसे कार्यक्रम के अंदर तहे दिल से आशीर्वाद रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब जाके कोई एक चीज न्यू करती है और अच्छी बनती है। और आज से हम आने वाले हर साल अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का बर्थडे मनाएंगे। आज हमने रतन टाटा जी का मनाया, अगले साल शायद हम सुधा मूर्ति का मनाए, अजीम प्रेम जी का मनाए, जिनका बर्थडे पहले आए। हमें अपने कमलर कोड ने किसी आपको किसी ने पूछा आपका मतलब क्या है, मैंने कहा इवेंट में आपको पता चले हमारा कोई मतलब नहीं। मुझे दिनियार के रत्ता जानते बचपन से, रतन टाटा जी जानते, ना वो मेरे रिश्तेदार है, ना मेरा दूरतर तक उनसे कोई संबंध है, लेकिन कल बर्थडे, आज बर्थडे, इसलिए कल मैंने उनको ग्रीटिंग जरूर दिया, वो हमारी पहचान है। मैं नहीं गया, नहीं क्योंकि उन तक पहुंच गया, हमें बेसिक हो सकता है अगर कल को हम और ज्यादा आगे चले। और अभी अभी मैंने मीडिया के माध्यम से जो मुख्यमंत्री को आह्वान किया, विनती की है, अभी हम लोग बात कर चुके मीडिया और हम लोग कि हम एक डेलीगेट बना दे और मुख्यमंत्री को जाके हमारी जो मांगे है हेल्थ के लिए, स्पेशली कैंसर के लिए, बच्चों के लिए, किड्स के लिए, लोगों के लिए, वो हम जाके नई मांग उनसे कर, ये सोच पनपती है, ये सोच पैदा होती है मिलने से, बोलने से। तो अगर हमने मांगा हुआ आज के मुख्यमंत्री से हमें मिल गया, तो हर साल इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे इसी तरीके से मनाया जाएगा और हम हर साल मनाते रहेंगे, हम रहे या न रहे, आवाम इसको जरूर मनाएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को जिन जिन लोगों ने अपना अनमोल वक्त दिया, अपने बहुत ही साफ सुथरे पाक विचार रखे, मैंने तो दो दिन में इवेंट खड़ा किया है, क्योंकि मैं भी टूर के ऊपर था आया और मेरा ऐसा ही काम है, चलता पूजा टाइप का काम, मैंने टीम को जमा किया। कुछ लोग तो बोले होगा ही नहीं, हमने कहा यार हम लोग 12 घंटे में इवेंट बनाते करोड़ रुपया की, ये तो छोटी थी। और आज आप सबके आशीर्वाद से इवेंट सफल हुआ, आप सब यहाँ आए, आपका कीमती वक्त दिया, आपने विचार रखे, सभी अलग अलग धरती के सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़े बड़े औहदे के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, स्पेशली किन्यार की तबीयत खराब है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा पारसी बनता, क्योंकि रतन टाटा जी पारसी है तो मेरा घर का बनता है और मेरे परिवार का आदमी, तो बेचारा तबीयत खराब थी वो आज अपने बीच में बैठे। तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ एडवाइस जो है वो हमें मिलती रहेगी। मैत्री राय जा रहा यहाँ बैठी है, मेरी सहेली फिल्म एक्टर है, वो भी ऑलरेडी बिजी थी पर रात को उसे लेट बात हो गई, वो यहाँ पर, क्योंकि ये होता है प्यार, वो इस सब्जेक्ट के लिए आई, इस चीज के लिए, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। मेरा रमाकांत मुंडे है, मेरा बंधु है, मीडिया में 25 साल से काम कर रहा है, वो रात को 4 बजे तक मेरे साथ लाइव था, सुबह यहाँ पहुंच गया। अखिलेश है, सारी टीम लेके यहाँ पर पहुंचे हैं, मेरे पत्रकार संघ के अध्यक्ष है पांचाल जी वो यहाँ बैठे हुए, जयराम रमेश जी यहाँ पर बैठे, जयराम सावंत जी पत्रकार हैं,